हेलो एवरीवन, तो आज मैं जा रही हूँ पार्लर मेरे बालों का कुछ कराने के लिए, क्योंकि मैंने लास्ट 1.5 ईयर से कुछ भी नहीं करा है अपने बालों का। और अभी मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है कि मुझे कुछ ना कुछ कराना चाहिए मेरे बालों का, क्योंकि बहुत रफ हो गए और मैंने कटाए भी नहीं थे। तो बस अभी जाने वाली हूँ। और आज का मौसम बहुत अच्छा है, धूप आ रही है बहुत दिनों के बाद, तो अच्छा लग रहा है, फ्रेश फील हो रहा है। इसके पहले मैंने अपने बालों का ज़्यादा कुछ कराया नहीं है लाइफ में, मतलब इतना ज़्यादा कुछ कराया नहीं है। मैंने 2015 में अपने बालों का स्ट्रेटनिंग करवाया था और तब बाल अच्छे भी लग रहे थे, काफ़ी लोगों ने बोला भी कि अच्छे लग रहे हैं। बट देन स्ट्रेटनिंग के बाद जो रूट वाले बाल होते हैं, यहाँ से जो न्यू ग्रोथ आती है, वो बहुत अजीब लगती है कि बाकी पूरे बाल स्ट्रेट और फिर सिर्फ इधर से जो नए बाल आ रहे वो वापस टेढ़े मेढ़े। तो फिर मैं सोच रही वैसा तो कुछ नहीं कराऊंगी। और मैंने अभी लास्ट ईयर जून 2018 में अपने बालों का कलर करवाया था, मुझे शौक चढ़ा था कलर कराने का, तो मैंने करवा लिया था। और अभी वो काफ़ी नीचे भी आ गया है, अगर आपको दिख रहा होगा तो बहुत नीचे आ गया है। तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या करवाने वाली हूँ, बट देन लेट्स सी, वापस जाने के बाद पता चलेगा कि क्या करवाने वाली हूँ। और आपके लिए एक स्टोरी है जो शायद इंस्पिरेशनल रहे आपके लिए, और आप बस देख लेना, आपको मिलती हूँ मैं वहाँ पर। तो मैं अभी यहाँ पे पहुँच गई हूँ, इसका नाम है द पर्ल और ये एक प्रोफेशनल हेयर और ब्यूटी लॉन्च है। तो यहाँ पे हेयर या फिर ब्यूटी से रिलेटेड सारी चीज़ें होती है। और जो यहाँ के ओनर है वो लंच के लिए भी बाहर गए, तो मैं उनका वेट कर रही हूँ कि मैंने उनसे अपॉइंटमेंट लिया था। अभी ओनर आ गए हैं और ये अपना इंट्रोडक्शन देंगे। हाय एवरीवन, मेरा नाम रमेश सोलंकी है, आई एम फ्रॉम द पर्ल सैलून एंड एकेडमी। और मैंने बहुत साल से ट्रेनिंग ले रहा हूँ और ट्रेनिंग दे भी रहा हूँ। अभी रिसेंटली मैंने लॉरियल से डिप्लोमा मेरा कंप्लीट किया और आज हम लोग पूजा का मेक ओवर करने वाले हैं। सो लेट्स सी। पूजा ने 1.5 साल पहले कलर किया था और ये कलर थोड़ा सा फेड भी हो गया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा वो अनप्रेजेंटेबल लग रहा है और हेयर भी लिटिल बिट ऑफ रफ हो गए हैं, जो हम लोग इसको रिपेयर करेंगे। एंड रिपेयर करने के बाद जो ये कलर डल लग रहा है वो भी शाइनी लगेगा। सो लेट्स सी। ये सब स्टाइल्स काफ़ी सीखी काटने की, आपकी खुद की है क्या ऐसे? ये एक्चुअली एक टेक्निक है। ओके। जब हम ऐसे पकड़ते, जब पुराना टाइम रहा उसको ऐसे ही कॉम पकड़ते थे, हाँ, ऐसे ही काटते हैं, तो ये ऐसा लगने का डर होता है। ओके। व्हेन वी डू सेक्शन उसको हम पीछे कर देते हैं, इससे आपको लग नहीं सकते, आपके कंट्रोल में होते हैं। रीजन जितने भी प्रोफेशनल हेयर ड्रेसर होते हैं वो सारे चीज़ों को ऐसे ही पकड़ते हैं पीछे की तरफ। अभी ब्लो ड्राई करेंगे, हेयर कट हो गया है। अभी वीडियो अच्छा बना था, देखो वीडियो वाला। अब वो न्यू विलेज है, यू नो, अलग ही मस्त है, ग्रीनरी वगैरह अच्छी है। सिटी में अंदर नहीं देखा, मतलब मुंह मैंने फ्लैश देखा तो किया, तो वीडियो देख के देख देव कुंडी क्या हम नारा जाता तो वो गए ब्लो ड्राई कराया मारवाड़ी में, था हवा मारे बारह में कौन की जगह हवा मारे बाप किधर, बाप बाप किधर। तो अभी मेरा हेयर कट हो चुका है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो इनका एक एकेडमी भी है, यहाँ पर इनकी एकेडमी है। तो अभी हम उनकी स्टोरी जानेंगे। तो मैं जो स्टोरी की बात कर रही थी, एक्चुअली मैं आपको बताना भूल गई कि वो स्टोरी आपके लिए क्यों इंस्पिरेशनल होगी, क्योंकि वो जो ओनर है उस सैलून के, उनकी लाइफ
बहुत अप्स एंड डाउन से गई है, मतलब फाइनेंशियली उन लोग इतने स्ट्रांग नहीं थे, जिस स्टेज पर आज वो है वहाँ पर आने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की अपनी लाइफ में, और मतलब मैंने पर्सनली देखा है उनको ग्रो होते हुए उनके करियर में, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं ये उनका एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करूँ, सो दैट आपको भी थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिल सके उस स्टोरी से। ये एक रीज़न है कि मुझे आपके साथ वो स्टोरी शेयर करनी है, तो अगर आपको वो स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे बता, तो मैं वो स्टोरी है वो एक अलग वीडियो में डाल दूँगी, तो अगर आपको देखना है तो आप वो वीडियो देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूँगी। एंड आई होप कि आपको वो वीडियो बहुत अच्छी लगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो शेयर करना आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम। तो इन्होंने मेरा हेयर स्टाइलिंग कर लिया है, और अभी हम इनकी स्टोरी जानी है कि ये यहाँ तक कैसे पहुँचे अपनी लाइफ में।